दान की कमाई दे रही है, घर का खर्चा चलाना है। बहुत लोग यहाँ पे रेंटेड, बहुत लोग रेंटेड है जो चलाते हैं, रेंट भी दे रही है। ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना पैसे सही मिल रहे हैं, ना उनके लिए कुछ सोचा जा रहा है। फिर ऐसे क्यों हो रहा है भैया? दिल्ली हमारी नंबर गाड़ी है, हमारा होम स्टे जो है वो घर दिल्ली है, तो हम दिल्ली में काम क्यों नहीं कर सकते? हम 5% 10% कमीशन देने के लिए तैयार हैं, मना नहीं कर रहे हैं। हम ओला उबर को भी कमीशन देते हैं। कस्टमर से लेता है पैसा, हमें नहीं देता है, क्योंकि हम टैक्स भर रहे हैं। ये आधे ज्यादा लोग जो खड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं, सीधी बात ही है, हमसे मारपीट और गुंडागर्दी पे हमें ऑफिस जाना है, हम ऑफिस वर्किंग लोग हैं। खर्चा आता है 5 रुपए आता है, ये 7 रुपए ही दे रहे हैं, तो हम लोग को 2 रुपए में कैसे बचेगा, क्या करेंगे हम? तो महंगाई बढ़ रही है और पैसे घट रहे हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे? कमर्शियल गाड़ी पे आप पिकअप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो प्राइवेट पे करें क्या, ये बताएं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, गरीबों का ही शोषण होता है, कोई भी इनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का amarujwala.com पर। आज दिल्ली NCR में जो है 2 दिवसीय हड़ताल ऑटो उबर और टैक्सी वालों का है, जिसको लेकर हम लोग इनकी समस्याओं को जानने के लिए यहाँ आए हैं, और साथ ही यात्रियों को इनकी हड़ताल से क्या समस्याएं हैं इसको भी जानेंगे। तो आइए हम इनसे ही बात करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, आपको क्या समस्या हो रही है आज जो हड़ताल चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे कुछ। ये है कि ये आधे ज़्यादा लोग जो खड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं, सीधी बात ये है, ठीक है, मेन बात ये है, मैं बता रहा हूँ, और बताओ, सीधी बात ये है, हमसे मारपीट और गुंडागर्दी पे हमें ऑफिस जाना है, हम ऑफिस वर्किंग लोग हैं, कोई वो थोड़ी है ना, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स ना, हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपनी नौकरी पेशे पे जा रहे हैं, ऐसे तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। थाना सामने है, थाने के सामने तुम्हें डंडे से मारेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, ऐसा होता है? धरने तो धरने की तरह ही होता है, या बदतमीजी होती है? ये ऑफिस की कार है, ओला उबर की कार नहीं है। आपको पता होगा कि इस समय दिल्ली NCR और सहित कई इलाकों में बहुत भारी ओला उबर और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों का हड़ताल है, उनकी कुछ मांगे हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी समस्या क्या है, और लोगों से भी मैंने आपको मिलवा ही दिया कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि उनकी क्या समस्या हो रही है इस हड़ताल की वजह से, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। अब आते हैं हम टैक्सी ड्राइवरों के समस्या पर, उनकी पीड़ा पर, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उनकी क्या मांग है जो ये हड़ताल चल रहा है। सबसे पहले, चूँकि यहाँ अव्यवस्था है, एक बार पीछे मेरे कैमरामैन से बोलूँ मैं, पीछे देखिए, ये जो अव्यवस्था चल रही है, लोग इससे परेशान हो रहे हैं, और ये जो परेशानी है ये लोगों की आम परेशानी है, ये ऑफिस जाने वाले लोग हैं, इस हड़ताल से इन पर भी असर पड़ रहा है। और टैक्सी वालों का अपना एक अलग मांग है, उनकी उनका क्या कहना है उनसे भी जानेंगे। ऑटो ओला उबर के जो लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। आप लोग ये जो हड़ताल कर रहे हैं, आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, हम लोग जो प्राइवेट टैक्सी वाले, मतलब जो कमर्शियल टैक्सी वाले हैं, वो दिल्ली का टैक्स, हरियाणा टैक्स, यूपी टैक्स, सारा टैक्स हम लोग भर रहे हैं। और क्या है, ये जैसे प्राइवेट कुछ गाड़ी वाले हैं, वो लोग आकर के ऐसे ही, उन लोग कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे चला रहे हैं वो लोग, उसमें कोई सरकार रोकथाम नहीं कर रही है। वैसे हम लोग का जो वाजिब जो ऐसे खर्चा आता है 5 रुपये आता है, ये 7 रुपये ही दे रहे हैं, तो हम लोग को 2 रुपये में कैसे बचेगा, क्या करेंगे हम लोग? देखिए, इनकी भी जो इनकी जो मांग है, इनका जो कहना है, इस पर भी ध्यान देने की बात होगी। आप जो गाड़ी चला, आप जॉब करते हैं, आपके पर ईयर सैलरी बढ़ती है घटती है? आपकी इंक्रीमेंट होती है डिक्रीमेंट होती है? इंक्रीमेंट होती है ना, फिर हमारे साथ कैसे हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब सबकी, किसी भी कॉर्पोरेट में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, उसकी सैलरी पर ईयर या कुछ एक टाइम के बाद पीरियड होता है, उसके बाद बढ़ती है, लेकिन ऐसा ओला उबर में क्यों हो रहा है कि टाइम के बाद घटते ही जा रहा है? आप पहले का रिपोर्ट निकाल के देखो, आप जो ओला उबर के साथ था, वही आपका रिपोर्ट देखो आप, इसमें जो है पैसे घटते जा रहा है, तो महंगाई बढ़ रही है और पैसे घट रहे हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे? और कमीशन पूरा ले रहा है, सब कुछ रहा है, वो सब ठीक है, इसका समाधान क्या है आप लोगों के हिसाब से? समाधान यही है कि कंपनी इस रेट को एक सही तरीके से निर्णय ले और सही रेट दे, जो सबको लगे कि ये अच्छा है। और दूसरी चीज, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, वहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, आपके फैमिली के लिए कुछ तो मिलता है, हमारे सबसे ज्यादा रिस्क है, हमें ऑन द 24x रोड पे रहना 7, ठीक है, हमारे लिए ऐसा कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं है? इस चीज के लिए कुछ होना चाहिए ना, फिर कंपनी करे, कंपनी करेगी ना, हजारों करोड़। ओला में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे ओला अगर आप दिल्ली से यूपी लेके आते हो पूरे दिन में, तो एक ही बार टैक्स दे रहा है, और सिर्फ HR नंबर, यूपी नंबर नहीं दे रहा है, और हर बार कस्टमर से टैक्स वसूल रहा है, हर बार कस्टमर तो ले रहा है, लेकिन वो ड्राइवर को नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है भाई? इससे पहले जबकि वो देता था, ऐसा नहीं, शुरू से उसका नियम ऐसा था, इससे पहले वो देता था, लेकिन अब नहीं दे रहा, ऐसा क्यों कर रहा है? हजारों करोड़ की कंपनी बन गई, वैल्यूएशन पे वैल्यूएशन बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के,
और ड्राइवरों के पैसे कम पे कम होते जा रहे हैं, गाड़ी की वैल्यू ट्रेन प्रति डाउन होती जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसके सोल्यूशन होने चाहिए ना कुछ। गाड़ी की EMI देनी है, घर का खर्चा चलाना है, बहुत लोग यहाँ पे रेंटेड, बहुत लोग रेंटेड है जो चलाते हैं, रेंट भी देनी है, और बताओ मिनिमम फेयर 80 रुपए का रखा था गाड़ी का, 80 रुपए मिनिमम फेयर, 80 रुपए में ऑटो नहीं मिलता आपका देश में, बताओ ऑटो है? 5 किलोमीटर भेजोगे 80 रुपए में जाएगा वो नहीं जाएगा, 80 रुपए का रखा, कुछ सोचो किसी पर, मतलब ड्राइवरों को किसी प्रकार की रिलायबिलिटी नहीं है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना पैसे सही मिल रहे हैं, ना उनके लिए कुछ सोचा जा रहा है, फिर ऐसे क्यों हो रहा है भैया? ये जो गिग वर्कर हैं ये भी तो है, मतलब देश के नागरिक हैं और ये भी देश के मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कैसे क्यों इनके साथ कैसे हो रहा है? सब चीज का प्राइस बढ़ता जा रहा है, इनका पहले प्राइस बढ़ा हुआ था अब और कम करते जा रहे हैं, आप बताओ ना, हर चीज का बढ़ता जा इसका कम होता जा रहा है, ये कहां का नियम है? जल्दी प्रतिदिन जो ये इलीगल एक्टिविटीयां हो रही है, जैसे कि प्राइवेट गाड़ियों बाइकों को गाड़ियों को चला रहे हैं, ये सबसे मेन मुद्दा है, इससे क्या ना तो सवारी की सेफ्टी है ना ही हमारी सेफ्टी है, कुछ भी होता है। अभी लास्ट ये न्यूज आई थी चाणकपुरी में, एक एयर होस्टेस के साथ बाइक वाले ने कुछ किया था, तो मतलब इन सब चीजों में क्या ना टैक्सी वाले बदनाम होते हैं, 350 रुपए भी बारिश होती है तो कंपनियां हमें 700-800 दिखाती है, मौसम खराब होता है आज का फेयर देख लो, तो मतलब जब वो कस्टमर उस टाइम देते हैं तो आज भी तो दे रहे हैं ना, और वो कस्टमर हमेशा देते हैं, ये कंपनियां अपनी नीतियों के खिलाफ कभी 40% कभी 60% है ना, इस तरह से हमें बेवकूफ बनाते हैं, और भी सब में हम निकल रहे रोड पे, हम तो कर रहे हैं ना, मेन ये है कि जितनी ज्यादा कंपनियां आ रही है उतना ज्यादा हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है। एक तो ये नई कंपनी आ गया इन ड्राइवर, इस कंपनी को तो बैन करो, जो नई कंपनी इन ड्राइवर इसको तो पूरी तरीके से भारत के अंदर बैन करो, ये बिल्कुल मतलब बेकार कंपनी है, ये सबकी सबकी लाइफ गाड़ी में खराब कर देगा, ये सबसे बेकार कंपनी इन ड्राइवर। एक चीज और है सर, हर स्टेट का टैक्स अगर कमर्शियल गाड़ी पे कर रही है तो ये प्राइवेट बाइक है क्यों इसमें होकर रखी है? प्राइवेट बाइक तो लर्निंग नहीं चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का टैक्स कमर्शियल गाड़ी पे कर रही है। सख्त नियम लाना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, उसका भी एक मिनिमम मैक्सिमम बाइक हटानी चाहिए क्योंकि 50-50, 100-100 रुपए की बाइक को आज वो यूज करने के चक्कर में इतनी बड़ी गाड़ी दे रहे हैं, 100 रुपए की इसमें आर्टिकल वो के यूज हो रही है। मांग जो हमारी आप इसमें दिखा सकते हैं सर, बाइक हटानी चाहिए, चाहे तो दिखा सकते हैं बाइक वालों ने, अगर आपको दिखेगा तो हर स्टेट का टैक्स इसमें सारी हमारी लिखी है कि हम क्यों चक्का जाम कर रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेन मुद्दा हमारा यही है कि ये प्राइवेट जो है इन्होंने हमारा काम खराब किया है और ये सरासरी गलत है, और हमारा ना ऑल इंडिया परमिट को दिल्ली में क्या किया है, चालान कर दिया, बंद कर दी गाड़ी, कह रहे हैं कि आप ऑल इंडिया परमिट को दिल्ली में नहीं चला सकते, आप डोर टू डोर पिकअप ड्रॉप नहीं कर सकते, आप सिर्फ बाहर से ला सकते हो। एक बार बताओ आप ये बताओ, दिल्ली का हम टैक्स दे रहे हैं, दिल्ली हमारी नंबर गाड़ी है, हमारा होम स्टे जो है वो घर दिल्ली है, तो हम दिल्ली में काम क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब इन्फोर्समेंट वाले हमारे लगभग 10 से 15 गाड़ियों को उन्होंने सीज कर दिया, और मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं कि कितने चालान हो रहे हैं, बंद होने की 10 से 15 गाड़ियां हैं जो अभी भी बुराड़ी अथॉरिटी में बंद हैं, तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करवाना नहीं चाहते, दिल्ली गवर्नमेंट जो इन्फोर्समेंट है वो कह रही है कि हम ऑनलाइन ऐप पर काम नहीं कराना चाहते हैं, तो आप अपने प्राइवेट स्टैंड बनाइए, गवर्नमेंट अपना कोई सरकारी ऐप बना सकता है जिससे कि मतलब हमें दिक्कत ना हो, हम 5% 10% कमीशन देने के लिए तैयार हैं, मना नहीं कर रहे हैं, हम ओला उबर को भी कमीशन देते हैं, लेकिन ये गलत तरीके से जो कर रहे हैं ना वो है। एक नोएडा अथॉरिटी है भैया जो एकदम बिल्कुल करप्शन का मामला में बोलूंगा चरम सीमा पे है इस टाइम पे, वहाँ पे जैसे आप वॉशरूम के लिए इमरजेंसी है भाई, वॉशरूम के लिए आप जागा रही है 2 किलोमीटर खड़े करके भक्के तो नहीं आओगे, आप खड़े करके चले जाओ वहाँ पे बिना बताए बिना किसी नोटिस के, आएंगे तुरंत ही आपके गाड़ी को लॉक कर देंगे। ई रिक्शा से आते हैं बंदे, कोई मतलब ऐसा नहीं है, बंदा आ रहा है ऑथराइज तरीके से आ रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है बंदा आ रहा है कि अथॉरिटी का बंदा है, नहीं आएगा ऐसे पता नहीं चलेगा, बंदा लॉक कर देगा और इंस्टेंट 1000 रुपीज पे करो फिर आप गाड़ी ले जाओ, नहीं तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे। ये तो करप्शन ही है ना, ये तो करप्शन है ना, इससे बड़ा करप्शन क्या चाहिए? भैया बिल्कुल करप्ट हो गया इस चीज को लेके, जोड़ लेंगे कि भैया कमर्शियल गाड़ी को बिल्कुल परेशान करने की, आप गाड़ी में बैठे हो ना फिर भी आग लगा दो, ऐसा नहीं आप एक ऐसे नहीं बोलेंगे भैया आप यहाँ से चले जाओ कि आपकी गाड़ी आप यहाँ पे नो जगह पे खड़ी नहीं हो सकती, भी आप खड़े हो लॉक करेंगे आपकी गाड़ी, 1000 रुपया दे दो फिर जाओ। ई रिक्शा साहब सोचो, ई रिक्शा साहब आता सब लॉक लेके और तुरंत उतार के 4 बंदे उतरे धड़ धड़ लगा दो चले जाते, क्या मतलब है? पैसा लेना सीधा सीधा बोलना भाई, तो मेरे को 1000 रुपया दे दो, चंदा ले लो फिर। ऐसा है कि यंग एज के कुछ बंदों को उसने हायर कर रखा है प्राइवेट सेक्टर से, उनका कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, वो बंदा कोई गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं है, ऐसे कोई वेंडर के तो उनको हायर कर रखा है, और वो बंदे आएंगे ऐसे जिसको कोई पता नहीं चला, हम तो समझेंगे आम बंदा है, और आएंगे बिना कोई नोटिफिकेशन के बिना कुछ मतलब आपकी गाड़ी को लॉक करेंगे, और 1000 रुपए आप पे करो तो आप जाओगे। मैंने पे किया है, मेरे पास शायद वीडियो पड़ा होगा उसका। ये जो मांगे हैं ये मांगे सरकार से भी हैं और कंपनियों के खिलाफ इनका जो स्ट्राइक चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये कितने अपनी मांगों को लेकर प्रखर हैं, और इसी वजह से आज
कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका जिक्र इन लोगों ने किया है, हमारा सहयोग करें, उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ इस पर जो है समाधान करने की जरूरत है। बस हाँ। बैठ जाओ, बस बस कोई गाड़ी मत चलाओ, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरे तो भाई सभी ड्राइवर भाई से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी ड्राइवर भाई हैं जहाँ तक हो सके उबर में काम करना बंद करो, किसी चीज को निराकरण होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे करते हैं, सारे ऐप वाले रुको ऐप वाले जितने हैं ओला उबर इतना त्रस्त कर रही है कि एक तो पैसा कम दे रही है, दूसरे हमारा यूपी का गाड़ी है, यूपी का टैक्स नहीं दे रहा है हमें। और सुनो, कस्टमर से लेता है, हमें नहीं देता है, कस्टमर से लेता है पैसा, हमें नहीं देता है, क्योंकि हम टैक्स भर रहे हैं। या तो यूपी का टैक्स खत्म किया जाए, कोई बात नहीं है, इसके बाद कस्टमर से क्या पैसा ले रहा है और कस्टमर से लेकर के हमें क्यों नहीं दे रहा है। और चालान भी बहुत करते हैं, और चालान हमारी गाड़ी को 2 साल भी नहीं हुआ है और उसमें स्पीड वार्नर लगा हुआ है, इसके बाद भी 25 चालान है मेरे गाड़ी के ऊपर, और हमारे एक मैसेज नहीं है, एक भी मैसेज हमारे पास नहीं है और 25 चालान है गाड़ी का। ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग गाड़ी चलाएं। ये 5 नंबर वालों ने कालंदी कुंज पे 10,000 का चालान किया है, कमर्शियल गाड़ी पे आप पिकअप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो प्राइवेट पे करें क्या, ये बताएं, दिल्ली सरकार जवाब दे। ये दिल्ली हिंदुस्तान से अलग है क्या, हम लोग दिल्ली से क्या दिल्ली वाले ही दिल्ली में रह रहे हैं क्या, नोएडा से दिल्ली में नहीं जाएंगे और नोएडा से दिल्ली में काम नहीं करेंगे तो सारा काम नोएडा में ही कर लेंगे क्या, ये क्यों कर रही है ये जो कानून व्यवस्था है ये सरासर हमारे टैक्सी वालों के लिए ही क्यों है, अदर के लिए क्यों नहीं है। ऐसा अगर है तो प्राइवेट नंबर गाड़ी भी दिल्ली के अंदर बंद होनी चाहिए, 5 नंबर वाले बंद करें इसको, फिर 5 नंबर प्राइवेट भी बंद करें, प्राइवेट मोटरसाइकिल भी बंद करें और नोएडा से आदमी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करे, 5 नंबर वाले उसका सबका चलान करे तो ये मान्य है। ये तो कानून व्यवस्था ऐसी है कि बस जी गरीब आदमी को मार दो, बचना नहीं चाहिए। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, गरीबों का ही शोषण होता है, कोई भी इनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ अपना मुद्दा देखते हैं, गरीबों की कोई नहीं देखता है। ये टैक्सी लेके लोन पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, 10 रुपए हमें मिलेंगे, 10 रुपए में 5 रुपए कंपनी खा जाएगी, बचेंगे 5 रुपए। अरे गोबर खा रहे हो, अन्न खा रहे हो, नहीं खा रहे हो यार, कहाँ रह रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो, हैं? बंद करो ये टैक्सी, मत चलाओ, कोई फायदा नहीं है, और नहीं तो इसका निस्तारण होना चाहिए और इसका जो है ये कानून जिम्मेदारी ले और यहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले। भाई 2-4 ऐप आ गए तो ऐप में कंपटीशन है ना, तो हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहले भी हम गाजियाबाद से जाते थे 1200-1300 रुपये ओला उबर देते थे, अब 500 रुपये में देते हैं, बताइए, बताओ है, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं कह रहे कि हमें इतना पैसा दे दो, बात अलग बोलते हैं, चलान कहीं काट देते हैं ऐसे बिना मतलब का। इनकी जो मांग है ये अपने मांग पर जो है कायम है, और इनका ये कहना है कि ये 2 दिन जो इनका हड़ताल चल रहा है वो 2 दिन पूरा चलेगा, और इनकी जो मांगे हैं आपने समझी होंगी, आप लोग भी समझदार हैं, इनको कई समस्याओं से का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का उसका निराकरण क्या है ये जो है खुद बता रहे हैं, लेकिन अब ये लेगा कौन, निराकरण करेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से हड़ताल चल रहा है इनकी ये कोशिश है कि दिन रात और अगले 2 दिनों तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।